स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संध्या जैन। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन। आज हम क्लास 7 चैप्टर 1 का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने अब तक इस चैप्टर में एनवायरनमेंट का मीनिंग और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। आज हम इकोसिस्टम के बारे में और ह्यूमन एक्टिविटी का हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है तथा साथ ही ह्यूमन एनवायरनमेंट और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट रेफर्स टू द रिलेशन एंड इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वह शुरू से ही समाज में रहना पसंद करता है। वह आसपास के लोगों के साथ व्यवहार और संबंध बनाता है और एक कम्युनिटी या समाज का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत हमारे आसपास का नेचुरल सराउंडिंग्स यानी कि प्रकृति के साथ साथ जितने भी ह्यूमन बीइंग्स या हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं हम उनके साथ एक रिलेशन बना लेते हैं जिसे कि हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूट हो गए जिसमें कि सभी लोग आकर के एक साथ पढ़ते हैं। बहुत ऐसे ही कम्युनिटीज़ हो गई जो समाज का निर्माण करती है जिसमें बहुत सारे लोग आकर के आपस में एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके कार्य करते हैं। टाउन्स हो गए जहाँ की कॉलोनीज होती है। इवन नेक्स्ट है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट से मतलब जो कुछ भी ह्यूमन ने बनाया है वह ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहलाता है। जैसे कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया या मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें, पार्क हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, हाउसेस हो गए, सड़क हो गई, एरोप्लेन्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए, ये जो चीज़ें मनुष्य द्वारा बनाई गई वह ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहलाती है। अब हम इकोसिस्टम पर आते हैं। एनवायरनमेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और कार्बन ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस ऑक्सीजन को हमारे द्वारा वापस से ग्रहण कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट भी होते हैं। इकोसिस्टम एक इस तरह का तंत्र होता है जिसमें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं तथा साथ ही एनवायरनमेंट के जितने भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं उनके साथ भी हम इंटरेक्ट करते हैं। अब एनवायरनमेंट का फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो है वो नॉन लिविंग एलिमेंट्स कहलाता है और यह होता है लाइट, ऑक्सीजन, वाटर, एयर, हीट, ये सब हमारा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। हर क्षेत्र का अपना एक इकोसिस्टम होता है। जैसे पेड़ पौधों का अपना एक इकोसिस्टम हो गया, नदियों का अपना एक इकोसिस्टम होता है। अभी हम यहाँ पौंड इकोसिस्टम की बात करने वाले हैं। तो पौंड इकोसिस्टम में जो लाइट, ऑक्सीजन और वाटर नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं इनको कंज्यूम किया जाता है ऑल लिविंग एलिमेंट्स के द्वारा। जैसे कि लिविंग एलिमेंट्स की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं पानी में रहने वाले पौधे, इन्हें की जिन्हें की प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। यह पौधे मिट्टी, पानी, लाइट और ऑक्सीजन के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। फिर इन्हें जूप्लैंक्टन यानी छोटे जलीय जीव जिन्हें की प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है, जैसे कि एक छोटी सी जेलीफिश होती है इन प्लांट्स को ईट करती है। फिर इस छोटी सी जेलीफिश को कोई बड़ी जो फिश होती है वो ईट करती है तो इसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। फिर इस सेकेंडरी यानी कि छोटी फिश को कोई बड़ी फिश फिर ईट कर लेती है तो इसे टर्टरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। यह बड़ी मछली जब डाई हो जाती है और मर जाती है और डिकम्पोज हो जाती है इसे फिर से छोटे जलीय जीव खा जाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिसमें कि हर बार डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया में क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र एक से दूसरे में होता रहता है और यही पौंड इकोसिस्टम कहलाता है। अब हम आते हैं हाउ डू ह्यूमन मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। ह्यूमन ने एनवायरनमेंट को किस तरह से मॉडिफाई किया। ह्यूमन जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस जो होता है उसको ना डायरेक्टली प्रभावित करती है। जैसे कि ह्यूमन जो होता है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को के साथ कॉन्टेक्ट करता है और उसे मॉडिफाई भी करता है।
पहले की प्रीहिस्ट्री में यदि हम देखें तो मानव ने जो है स्वयं को प्रकृति या नेचर के जैसे बना लिया था। उनका जीवन सरल था, वह अपना भोजन नट्स, पेड़ पौधे और जंगलों के जो फल होते थे उनको खा करके इकट्ठा करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं जो है वो बढ़ती चली गई। उन्होंने जो है मानव ने पर्यावरण या एनवायरनमेंट का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई सारे तरीके सीख लिए। जैसे उसने अपने भोजन के लिए पशुओं का शिकार करना शुरू किया, उन्होंने प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करना शुरू किया, जैसे घर बनाना सीख लिया, एक ही जगह स्थायी रूप से रहने लगे, कपड़े बनाने लगे। बढ़ते समय के साथ साथ उन्होंने खेती करना और कम्युनिटी ने समाज के साथ रहने शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने पशुपालन शुरू किया जिससे कि उन्हें खेती करने में भी आसानी होने लगी। पहिए का आविष्कार हुआ जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज़ी से हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, उससे व्यापार यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हो गया, जिसे कि बार्टर सिस्टम भी कहा जाता है। बार्टर सिस्टम मतलब कि जैसे किसी के पास गाय ज़्यादा है तो गाय देकर सामने वाले से अपनी आवश्यकता वाली चीज़ ले लेता था, यानी कि उसने वो गेहूँ चाहिए तो गेहूँ ले लेगा। इस तरह से धीरे धीरे बार्टर सिस्टम है जो वो ख़त्म होता गया और उसकी जगह मनी यानी रुपयों पैसों ने उसका उसकी जगह वस्तुओं की जगह पैसों का उपयोग होने लगा। अब हम आते हैं इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन पे। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन में अब हम इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन पर आते हैं यानी कि औद्योगिक क्रांति। छोटे बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में होने लगा जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता हुई। ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा तेज गति से प्रारंभ हो गया और माल को एक स्थान से दूसरी जगह पर जाकर के बेचने लगे। इस तरह से हमारा व्यापार भी बढ़ गया। अब हम आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना क्रांति। इससे पूरे विश्व में हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही सरल हो गया। टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से आज हम विश्व में कहीं भी बैठे बैठे एक मिनट में सामने वाले व्यक्ति से बात कर सकते हैं। पहले कम्युनिकेशन इतना सरल नहीं था। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह बैठा है, मान लो कि आपसे 100 किलोमीटर है, तो उस तक आपकी बात पहुंचने में 3 से 4 घंटे लग सकते थे, बल्कि उससे ज़्यादा का समय भी लग सकता था। लेकिन इन्फॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की वजह से आज हम कुछ मिनटों और सेकेंड में ही अपनी बात एक दूसरे को टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से हम पहुँचा सकते हैं। इससे हमारा जीवन बहुत ही आसान हो गया। अब हम आते हैं कि किस तरह से मनुष्य ने पर्यावरण को प्रभावित किया है। चूँकि बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का ह्यूमन ने जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन शुरू हो गया। अब हम आते हैं कि पॉल्यूशंस क्या है। तो पॉल्यूशंस जो है झीलों तथा नदियों से निकलने वाला झीलों तथा नदियों में जो है ख़राब पदार्थ मिलने लगे। उसमें प्लास्टिक, घर का कूड़ा कचरा, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं मिल गया, तो उससे रिवर पॉल्यूशन हुआ। ऐसे ही इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन जो होता है उसमें स्मोक्स जो है धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये हमारे इन्वायरमेंट को इसमें ख़राब कर रहा है। इस तरह से ये हुआ आपका पॉल्यूशन। फिर हम आते हैं डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक चीज़ों का हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। जैसे खेती के लिए वनों का, फॉरेस्ट का काटा जाना जिससे मिट्टी का कटाव होता है, बाद में इससे कि नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदाओं का भी हमें सामना करना पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अचानक से गर्मी का, हमारी अर्थ पे गर्मी का बढ़ जाना। सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि कैसे रहती हैं। जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है और उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन और डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का धीरे धीरे खत्म, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का धीरे धीरे खत्म होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ह्यूमन एक्टिविटी हैं जो कि आने वाले संकट की चेतावनी देती हैं। यानी कि प्रकृति एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन का होना आवश्यक है। जैसे अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन को पर्यावरण के साथ मिलजुल कर रहना है, उसका सही उपयोग करना सीखना चाहिए। हमें हमारे पर्यावरण को बचाने और उसकी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो है अर्थ डे